ये ध्यान रखना कानपुर सेंट्रल ही जाना है, कानपुर में कैसी है इंटरनेट के थ्रू हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं इसको और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन चार्जिंग कर सकते हैं इसकी ये आईआर और दूर से कमांड से हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके पैरामीटर्स को, इसको पावर चेंज करना है, इसकी वो बढ़ाना, डिस्टेंस बढ़ाना है, फोकसिंग करनी है, सारे जो फंक्शन जो मैनुअली करते हैं वो हम हैंडल सिस्टम वर्ल्ड वाइड कर लेते हैं। जितना भी बंदा या स्नाइपर है उसको पकड़ता है ये, उसमें जैसे होता है तुम्हारा ब्लिंक करता है, जैसे बल्ब ब्लिंक करता है ना, वैसा दिखता है ब्लिंक करता हुआ, तो उसे पकड़ लेते हैं कि अंधेरे में है कहीं। और ऑनलाइन चार्जिंग भी कर सकते हैं, और जहाँ चार्जिंग है अवेलेबल आप बैटरी लगे रहें तो बैटरी ऑनलाइन चार्ज भी होती रहती है और करती रहती है। ये OTL 600 जो है ये ऑप्टिकल टारगेट को पकड़ता है, जो भी जिसके में अंदर फोकसिंग ऑप्टिक्स है, जैसे बाइनाकुलर है, सार्प जो शूटर होते हैं वो अपने साथ राइफल पर इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिक्स जो मतलब फोकस करने के लिए, और इसके अलावा कोई भी लेज़र LRF है, तो जहाँ भी ऑप्टिक्स है ये उसको डिटेक्ट करता है। अगर डे और नाइट दोनों में काम करता है ये। इसकी रेंज जो है 600 मीटर्स है। इसके और भी वेरिएंट्स हैं, एक 1500 मीटर वाला है वो आर्मी के पास है, अभी ट्रायल में चल रहा है, और जितने भी जो बॉर्डर पे सर्वेलेंस होती है उसमें भी वो स्नाइपर्स को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया है उसने। स्नाइपर्स को अगर देखिए, स्नाइपर्स किसी कैमोफ्लॉज में छुपा हुआ है या अंधेरे में है, तो ये अंधेरे में जो है ये उसको डिटेक्ट करता है। उसमें ये जैसे आपका लाइट सोर्स होता है उस तरह का ब्लिंक स्पॉट दिखाता है, तो हमें पता लग जाता है कि वो हमको एम कर रहा है और हम एक्शन ले लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मैं आनंद हूँ, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर DRDO से। भी स्नाइपर अटैक्स होते हैं उस पर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी ये स्नाइपर्स अटैक्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से होते हैं, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से अटैक होते हैं। उस तरह के स्नाइपर्स गन होती हैं, जो उसके लिए क्या होता है उसके ऊपर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, टेलीस्कोप लग रहता है, या ऑप्टिकल साइट लगी रहती है, होलोग्राफिक साइट लगी रहती है, इस तरह की चीज़ें कुछ लगी रहती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसकी बिना हेल्प से इतना प्रिसाइज लोकेशन पर टारगेट नहीं हिट कर सकते। उसके लिए एक ये माकूल जवाब हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल टारगेट लोकेटर है। इस ऑप्टिकल टारगेट लोकेटर से जितने भी उस एरिया में ऑप्टिकल चीज़ें लगी हुई हैं उसको हम डे नाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत छोटे से छोटे ऑप्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से रोशनी आ रही है, चाहे वो दिखे चाहे वो ना दिखे। तो इसके लिए ये स्नाइपर अटैक्स के लिए मॉकुल सोल्यूशन हो सकता है। ये ऑलरेडी ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ भी हो रहा है कुछ जगहों पर, और इसकी हेल्प से कुछ मतलब आर्मी वगैरह अपना ट्रायल्स वगैरह भी कर रही हैं, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हुए हैं। इसकी TOT हो चुकी है, और इसका ये इंस्ट्रूमेंट आगे भी फॉरवर्ड हो रहा है BSF को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को, NSGs को, और इस तरह के चीज़ों को। ये प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी और सब जगह यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट्स। इस पर एक्चुअली ये कैटा इफेक्ट्स कहलाती है टेक्नोलॉजी की, मतलब जब इसमें रोशनी लेजर जाएगी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो उस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें कैटा इफेक्ट्स कहते हैं इसको। जैसे जिस तरह से हम रात में जानवरों को देख पाते हैं रोशनी डालने पर, उसी तरह से हम इस पर दिन और रात में कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख पाते हैं। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।